हेलो गाइस, आप लोग के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जर्नी हम लोग कर रहे हैं ट्रेन नंबर 02953 मुंबई सेंट्रल हज़रत निज़ामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी स्पेशल में। तभी तो हम लोग मुंबई सेंट्रल में खड़े हैं और सामने लोकोमोटिव आप लोगों को दिख रहा होगा, पूरा सजा हुआ लोकोमोटिव है। आप लोगों को पता ही कि इस नए वाले अपडेट में आप लोग कोई लोकोमोटिव को फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो पूरा सजा हुआ आप लोगों को दिया जाएगा। और आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं वैप सेवन फॉन्टेड है, ये हम लोग फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं इस नए वाले अपडेट में, इसलिए पूरा सजा हुआ है। अभी पेंटोग्राफ को ऊपर कर चुके हैं, मार्कर लाइट्स भी ऑन है, सिग्नल हम लोग को मिल चुका है, स्टेशन मास्टर जी भी हम लोग को पूरा ग्रीन फ्लैग दिखा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के डिपार्ट करते हैं। और यहाँ से हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं, हम लोग को 26 मिनट बरसात पहुँचना है, लेकिन हम लोग का बीच में एक स्टॉप है बोरीवली, तो वहाँ पे हम लोग कुछ सेकंड के लिए रुक जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। 25 मिनट में हम लोग को बरसात पहुँचाना है, अभी जो दिखा रहा है लेट है, आगे चल के देखते हैं हम लोग क्या होता है, कितना लेट हम लोग पहुँचते हैं वहाँ। प्लेटफॉर्म 4 पर हम लोग थे, यानी कि प्लेटफॉर्म 4 से हम लोग डिपार्चर हो रहा है। और जनरेटर कार का आवाज़ आप लोग सुनाई दे रहा होगा, स्ने वाले अपडेट में अब जनरेटर कार का आवाज़ भी आ गया। और लोकोमोटिव का हॉर्न कैसा लगा कमेंट में वो भी बता दीजिएगा हमको। इस ट्रेन का अराइवल हो रहा है, तो शताब्दी एक्सप्रेस है WDM 3D लोकोमोटिव सर मुंबई सेंट्रल पर अराइव कर रही है। एक बार लोग पूरा ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ते हैं, हम लोग स्पीड में चलेंगे, मतलब कि हम लोग का जो MPS है वो 130 किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो 130 पर हम चलाएंगे। और आज आप लोगों को शंटिंग है, लोगों कपलिंग नहीं दिखा रहे हैं, अगर उतना दिखाते तो वीडियो और लंबा हो जाता है, वीडियो ऐसी अभी 13 मिनट का है, शंटिंग लोगों कपलिंग दिखाने में भी 16-17 मिनट का वीडियो हो जाता है। तो आप लोग बोलें कि ITS का वीडियो ज़्यादा लंबा पसंद नहीं आता, हमको नहीं पसंद आता ITS का लंबा लंबा वीडियो बनाना, तो इसलिए शंटिंग लोगों कपलिंग नहीं दिखा रहे हैं। तो बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को दिखा चुके हैं, वो भी हम लोग 100% पे कर चुके हैं, अभी हम लोग 85 मिनट पर आगे स्पीड तक पहुँच गए, 90 का स्पीड तक पहुँच गया, मतलब 5 मिनट बरसात पहुँचाना है जो कि हम लोग नहीं पहुँचे पक्का, देखते हैं तब कितना हम लोग लेट पहुँचते हैं वहाँ। और अभी हम लोग बोरीवली में रुकना होगा, हम लोग को हम लोग का ट्रेन अभी 115 मिनट पर आगे स्पीड अचीव कर चुकी थी। चलिए ब्रेक सप्लाई कर देते हैं धीरे धीरे, तो रुक नहीं पाएंगे बोरीवली पर, प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है बोरीवली का। प्लेटफॉर्म 1 पे आ रहे हैं बोरीवली में, और ये हम लोग बोरीवली पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पर, बस कुछ सेकंड्स रुकेंगे, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी 7 मिनट लेट हैं। वो ट्रेन ओवरटेक कर रही है हम लोग यहाँ पे, WDM 3D लोगों के साथ एक शताब्दी एक्सप्रेस हम लोग ओवरटेक करते हैं बोरीवली में। चलिए हम लोग यहाँ से डिपार्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक पैरेलल रन देखने मिले हम लोग को, ट्राई तो करेंगे पूरा पैरेलल रन दिखाने का आप लोग, आगे चल के पता चले क्या होने वाला है। तो वीडियो पूरा बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा आज की वीडियो में भी। हम लोग 15 मिनट लेट हैं अभी, देखते हैं बरसात पहुँचते पहुँचते लगता है आधा घंटा हम लोग लेट हो जाएंगे। ट्रॉल सीधा 100% पे कर दी, जिस जल्दी हम लोग का ट्रेन स्पीड ले लें, और वैप समय तो स्पीड तो थोड़ा ले लेगी। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग बरसात पहुँचने वाले हैं, और हम लोग की ट्रेन 100 तक पहुँच गई थी, वैप सेवन ने तो आज कमाल ही कर दिया, तो हम लोग 100 का स्पीड अचीव कर लिए थे। यहाँ पे देखते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म पे हम एंटर कर रहे हैं, बरसात में हम लोग आधा घंटा लेट है, जैसा कि हम आप लोग बोल रहे थे कि आधा घंटा लेट हो सकते हैं, और प्लेटफॉर्म 2 पे अराइव कर रहे हैं हम लोग बरसात के। इधर आप लोग देखिए राइट साइड में शताब्दी एक्सप्रेस का डिपार्चर भी हो गया, तो
तब तो बहुत कम उम्मीद है कि पहला रन मिलेगा हम लोग को उसके साथ। हम लोग का कहीं कोई स्किप भी नहीं है आज, हम लोग आज वडोदरा तक ही जर्नी कर रहे हैं। मुंबई सेंटर से वडोदरा के बीच ट्रेन का कहीं स्किप, कोई ट्रेन स्किप नहीं करेगी, ट्रेन हर जगह रुकेगी। सब पैसेंजर्स एक बार चढ़ जाएं, उसके बाद यहाँ से डिपार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं सब लोग चढ़ गए होंगे। चलिए हॉर्न मार के डिपार्ट करते हैं। चलिए हम शेड्यूल को करते हैं 30-40% पे और डिपार्ट करते हैं धीरे धीरे। अब यहाँ पे दिखा रहा हूँ हम 5 मिनट लेट हैं, जब पहुँचे तो हम लोग यहाँ 30 मिनट्स लेट थे, मतलब आधा घंटा। अब देखते हैं अगला स्टॉप लगा सूरत है, वहाँ कितना देर हम लोग पहुँचते हैं। आगे हम लोग ट्रैक चेंज होने वाला है तो ज़्यादा स्पीड ले भी नहीं पाएंगे अभी हम लोग। और लोकोमोटिव का हॉर्न कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर से बताइएगा, हमको तो बहुत रियलिस्टिक लग रहा है। आप लोग कैसा लग रहा है, आप लोग अपना राय बताइएगा मुझे कमेंट्स में। और ये हम लोग का ट्रैक चेंज होने वाला है, स्पीड अभी हम लोग का 43 बस ही 44 है, इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं जाएंगे। एक बार हम मेन लाइन पर आ जाए उस पर थोड़ा को 100% करेंगे और ट्राई करेंगे 130 में अचीव करने तुरंत से। तभी ज़्यादा दूर नहीं है सूरत, तो देखते हैं अचीव कर पाते हैं कि नहीं हम लोग 130। हमारी अगस्त क्रांति राजधानी का स्टॉपेज बहुत ज़्यादा ही है, उसको राजधानी नहीं, उसको तो लोकल ट्रेन बोलना चाहिए। इतना ज़्यादा स्टॉपेज होने की वजह से 130 का एक्शन भी आप लोगों ने नहीं दिखा पा रहे ठीक से। पार्ट टू में दिखाएंगे, पार्ट टू में ट्रेन का 2 स्किप मिलेगा। हम लोग पार्ट टू में वडोदरा से कोटा तक जर्नी करेंगे, अभी तो हम लोग वडोदरा तक ही जर्नी कर रहे हैं। और लगता है कि हम लोग सूरत भी आधा घंटा लेट पहुँचने वाले हैं। अभी यहाँ पर दिखा रहा है 23 मिनट्स लेट है हम लोग, और हम लोग 110 का स्पीड तो आराम से अचीव कर लिए। अभी लगता है 120 तक हम लोग आराम से पहुँच जाएंगे। अब ब्रेक सप्लाई कर देते हैं, 121 तक पहुँच रहे हैं बरसात से सूरत के बीच में। 130 तक पहुँचना मुश्किल है और ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए हम लोग को, तब 130 तक हम पहुँच पाएंगे। जो भी देखते हैं सूरत में लोग कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग पूरा आधा घंटा लेट हैं। प्लेटफॉर्म 3 पे लोग अराइव कर रहे हैं सूरत के। थोड़ा सा और आगे जाके हम लोग रोक देंगे अपने ट्रेन को। पर हम लोग रुक चुके हैं सूरत, प्लेटफॉर्म 3 पे लोग अराइव किए हैं सूरत के और डोर्स भी ओपन कर चुके हैं। रुकते रुकते हम लोग 37 मिनट लेट हो गए थे। अब जैसे पैसेंजर लोग चढ़ गए उस पर लोग डिपार्ट करेंगे तुरंत। अब अगला स्टॉप हम लोग का बहादुर जंक्शन है, सिग्नल हम लोग को मिल चुका है क्लियर। चलिए अब डिपार्ट करते हैं, उम्मीद है सब लोग चढ़ चुके होंगे। यहाँ से भी डिपार्ट करते वक्त दिखा रहा है हम लोग ट्रेन 2 मिनट लेट है, 2 मिनट लेट नहीं, हम लोग को 1 मिनट में भारूच पहुँचना है, तो वहाँ भी हम लोग पहुँचने वाले हैं लेट। अब ट्राई करेंगे कि बस ज़्यादा लेट ना हो, ट्रेन का स्टॉपेज बहुत है, कम स्टॉपेज होता है तो हम किसी तरह टाइम कवरअप कर भी लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब तो हम लोग 2 मिनट लेट हो गए हैं, फल को 100% कर देते हैं। और अभी ट्राई करेंगे कि जल्दी से हम लोग ट्रेन स्पीड ले लें, और उम्मीद है कि हम लोग 130 तक पहुंच पाएँ, देखते हैं क्या होता है। चलिए आप लोग को लेके चलते हैं हम इसके पैसेंजर व्यू पे। और ये आप लोग देखिए अपडेट होने के बाद इस पैसेंजर व्यू पे बाहर का सीन भी क्लियरली दिख रहा है, नहीं तो पहले राजधानी को से बाहर का सीन क्लियर नहीं दिखता था, लेकिन अभी क्लियर दिख रहा है। तो चलिए थोड़ा देर यहीं से जर्नी करते हैं, क्योंकि तो आगे एक ब्रिज आने वाला है आप लोगों को पता ही होगा। वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लोग चलेंगे लोकोमोटिव का कैब व्यू में।
फोर्स्टाल में देख सकते हैं हम लोग 130 किलोमीटर पर आगे स्पीड अचीव कर चुके हैं। और ये हम लोग आ गए कैब व्यू में, और अभी हम लोग सिर्फ 16 ही मिनट लेट हैं। तो यहाँ पे उम्मीद है कि हम लोग कुछ 5-6 मिनट का टाइम कवर अप कर पाएँ। अभी हम लोग 20 मिनट लेट, 16 मिनट नहीं 20 मिनट लेट हो गए हम लोग। चलते हैं बाहर क्यों, हम लोग का अराइवल होने वाला है भादुद जंक्शन में। यहाँ पे शायद प्लेटफॉर्म 1 पे लोग आ रहे हैं, 1 नहीं तो 4 होगा, देख लेते हैं। प्लेटफॉर्म 1 है जैसा कि आप लोगों ने पहले बोला था। बस ये भी रोक देते हैं, बस स्पीड ज़्यादा होगी हम लोग ट्रेन का। अभी कोई बात नहीं, हम लोग रुक गए टाइम पे, डोर्स ओपन कर दिए। हम लोग यहाँ पे सिर्फ 20 मिनट लेट ही पहुँचे हैं। अच्छा बात है, हम लोग 10 मिनट टाइम कवरअप कर लिए, और आगे भी ट्राई करेंगे जब हम लोग ज़्यादा ज़्यादा टाइम कवरअप कर पाएँ। और पार्ट 3 में लोग पहुँचेंगे हज़रत निज़ामुद्दीन, तो वहाँ पर ट्राई करेंगे हम लोग एकदम टाइम पर पहुँचा दें। उम्मीद है कि सब लोग चढ़ गए होंगे, यहाँ से रिपार्ट करते हैं हॉर्न मार के। चलिए ट्रॉलर को सीधा 60% पे कर देते हैं, जिससे हम लोग जल्दी जल्दी स्पीड ले पाएँ और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कवरअप कर पाएँ हम लोग। यहाँ पे हेडलाइट भी ऑन कर दिए हम लोग, अंधेरा हो चुका है, शाम के 6 बज रहे हैं अभी गेम में। और वडोदरा पहुँचने में अभी हम लोग 1 मिनट लेट चल रहे हैं, बाकी अभी हम लोग को पहुँच जाना चाहिए था वडोदरा, नहीं पहुँच पाए, अभी 1 मिनट लेट है हम लोग। वहाँ पर ट्राई करेंगे हम लोग 15-20 मिनट ही लेट पहुँचे, उससे ज़्यादा लेट ना हो, तो थ्रॉटल को 100% पे करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे भी उम्मीद है हम लोग 130 किलोमीटर पर आगे स्पीड अचीव कर पाएँ और वडोदरा पहुँचने से पहले, ले देखते हैं क्या होता है। तो अभी यहाँ पे आप लोग पूरा हाई स्पीड एक्शन देखने मिलेगा, तो आप लोग इन्जॉय कीजिए। ट्रैक साउंड और जेंटा का साउंड अच्छा से आ रहा होगा आप लोगों। अब आप लोग से मिलते हैं सीधा वडोदरा के अराइवल पर। तो दोस्तों कैसा लगा हाई स्पीड एक्शन, कमेंट में जरूर से बताएगा हमको। हम लोग पूरा 135 किलोमीटर तक चले गए थे, 135 किलोमीटर पर आ तक, और एक ट्रेन का क्रॉसिंग भी हुआ था, आप लोग ने देखा ही होगा। चलिए ब्रेक सप्लाई हम लोग कर चुके हैं, सामने में वडोदरा के प्लेटफॉर्म पे एंटर करने ही वाले हैं। प्लेटफॉर्म नंबर शायद 2 या 3 है, देख लेते, दिख नहीं रहा ठीक से, आगे चल के देख लेंगे। प्लेटफॉर्म 3 पर हम अराइव कर रहे हैं, बस यहीं पे रोक देंगे अपने ट्रेन को। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। पार्ट 1 का वीडियो यहीं तक था, हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को पार्ट 2 में। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए एंड बाय।